जब मैं बेंगलोर में काम करता था उस समय मैं बीमार पड़ा. टेस्ट के दौरान मुझे पता चला कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस है. मैं घर आ गया. एक तो मुझे पहले से पता नहीं था कि टीबी की दवा रेगुलर लेनी चाहिए, और इवन जिस डॉक्टर के यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट में था शायद उन्होंने बताया भी नहीं मुझे, जिस कारण से मैंने दवा गैप करके ली या छोड़ दी, जिस कारण से मेरा बीमारी प्राइमरी टीबी से एमडीआर टीबी हो गया. एमडीआर की मेडिसिन स्टार्ट होने के बाद कई सारी साइड इफ़ेक्ट्स हुए. मेजर साइड इफ़ेक्ट हुआ मेरा, मैं मेंटली डिसेबल्ड हो गया, और मैं ये सोचता था कि इससे अच्छा है कि मर जाऊं. कई समय तो ये सुसाइड करने की भी ठान ली थी मैंने, लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे मोटिवेट करते रहे, और मेरे भाई ने इसमें काफ़ी मेरा सहयोग किया, और धीरे धीरे मैं ठीक होता गया. 2017 सितंबर में मेरी एमडीआर की मेडिसिन ख़त्म हुई. देन उसके बाद मैं रीच के साथ जुड़ा. जब मैं रीच की ट्रेनिंग में गया था सबसे पहले पटना में, तो उस समय हमें टीबी के बारे में बताया गया था. अपनी स्टोरीज हम लोग को शेयर करने के लिए बोली गई थी. कंटिन्यूस हमने छोटी बड़ी ट्रेनिंग्स अटेंड करी. धीरे धीरे हमें पता लगा कि हमें करना क्या है. अभी मैं कम्युनिटी में अवेयरनेस, देन पेशेंट काउंसलिंग और एडवोकेसी का काम कर रहा हूँ. अवेयरनेस में मैंने कई सारे काम किए हैं, जैसे मैंने जेल में कैदियों के बीच अवेयरनेस किया है. देन मैंने अपने गांव में भी एक मीटिंग करी है जिसमें स्थानीय एमएलए आए हैं और बाकी के लोग भी पीआरएस मेंबर थे. मैंने ट्रांसजेंडर्स के बीच भी अवेयरनेस किया है. उसके अलावा मैंने कई स्कूल्स में भी अवेयरनेस किया है. जब मैं मेंटी था तब मैंने लगभग 50 पेशेंट टीबी पेशेंट्स का काउंसलिंग किया था. 10 अवेयरनेस मीटिंग करी थी. जब मैं मेंटर बना तो मेरे अंदर 5 मेंटीज थे. हमने टोटल लगभग 400 पेशेंट्स की काउंसलिंग करी है 5 मेंटीज के साथ. गवर्नमेंट को अगर कहीं हेल्थ कैंप करना है तो भी वो हमें एज अ रोल मॉडल वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम जब बताते हैं कि हाँ मुझे टीबी थी तो ज़्यादा केसेज आते हैं. टीबी चैंपियन में सबसे बड़ी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो डेडिकेशन और विल पावर होना चाहिए. वो डेडिकेटेड होना चाहिए अपने वर्क के प्रति. विल पावर होना चाहिए कि हाँ मैं इसको करूँगा. पहले जो किसी भी परेशानी से मैं तुरंत गिव अप कर देता था कि नहीं यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा. बीमारी के दौरान भी 2 में से 1 मरीज ही ठीक हो पाता है, तो मैं नहीं ठीक होने वालों में से हूँ, तो गिव अप कर जाता था. अभी मैं गिव अप नहीं करता. अभी मैं सोचता हूँ कि नहीं, अगर 2 मरीज ठीक हो रहे हैं तो 1 ठीक होने वाला मैं हूँ. और मेरी अब ये थिंकिंग है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल. इवन इफ वी थ्रो अ स्टोन विद आवर फुल एंथुसियाज्म वी कैन मेक होल इन द स्काई.